यूपी के हमीरपुर जिले से एक लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहाँ एक मौलाना ने हिंदू महिला का धर्म परिवर्तन कराकर मुस्लिम युवक से उसका निकाह करा दिया। इस मामले की जानकारी जैसे ही महिला के पहले पति को हुई तो उसने इस मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। पुलिस ने ये मामला दर्ज तो कर लिया, लेकिन एक महीने से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। परेशान पति पुलिस के उच्चाधिकारियों से न्याय पाने की आस लेकर चक्कर लगाने को मजबूर है। ये पूरा मामला जिले के बीमार थाना क्षेत्र से सामने निकल कर आया है। यहाँ एक मौलाना ने शादीशुदा महिला का धर्म परिवर्तन कराकर उसका मुस्लिम युवक से निकाह करा दिया, जिसके बाद महिला के पति ने स्थानीय पुलिस में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने उच्चाधिकारियों के आदेश पर यह मामला दर्ज तो कर लिया, लेकिन एक माह से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी पुलिस न तो मौलाना को गिरफ्तार कर पाई है और न ही निकाह करने वाले मुस्लिम युवक को, जिससे महिला का पहला पति परेशान होकर न्याय पाने की आस लेकर उच्चाधिकारियों के चक्कर लगाने को बेबस है। मैं मनीष गुप्ता आकांक्षा गुप्ता का पहला पति बात कर रहा हूँ। आकांक्षा गुप्ता द्वारा दूसरी शादी कर ली गई है, और जिसमें मौलाना द्वारा और अनीस खां के द्वारा धर्म परिवर्तन करवाया गया है, जबकि उनको इस बात का पता होना चाहिए कि पहले पति के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं, ना ही पहले पति के होते हुए दूसरी शादी नहीं करना, ये एक गैर कानूनी काम है। इसकी शिकायत हमने बीमार थाने में दी। बीमार थाने द्वारा 6/12/2023 को मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज करने के बाद एक माह से ऊपर का प्रकरण हो गया, लेकिन आरोपियों के एक भी बार गिरफ्तारी नहीं हुई। इसके बाद हमको सीओ साहब ने मौदाह में बुलाया और हम वहां गए और उन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए नाम दर्ज करवाए। इसके बाद बीमार थाने द्वारा हमें फ़ोन आया, और हमने जब बीमार थाने द्वारा फ़ोन आया हमारे पास, तो हमने बीमार थाने ने हमसे कहा कि उन लड़के लड़कियों के नंबर स्विच ऑफ आ रहे हैं। इसके बाद जब हमने उसमें कॉल लगाई तो वो नंबर खुले आ रहे थे, और इसके बाद जब हमने उनको बताया कि ये नंबर खुले आ रहे हैं तो वो बोले कि हमारे पास बहुत से मुकदमे होते हैं, केवल आपका ये एक ऐसा मुकदमा नहीं है जिस पर हम कार्रवाई के लिए, केवल आपके ही मुकदमे पर केवल कार्रवाई न करते रहे, मतलब हमारे पास बहुत से मुकदमे थे। इस प्रकार की बात बीमार थाने द्वारा बोली गई। जसवंत टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग पार्ट्स एवं मोबाइल एक्सेसरीज के थोक विक्रेता। हमारे यहाँ कुशल इंजीनियरों द्वारा हर प्रकार के सैमसंग, आईफोन, नोकिया, वीवो, एमआई, होनर, ओप्पो, मोटोरोला आदि मोबाइल की बेहतरीन रिपेयरिंग की जाती है। अब आप अपना मोबाइल रिपेयरिंग कराएं विद ओरिजिनल पार्ट्स के साथ जसवंत टेलीकॉम। हमें आईफोन स्पेशलिस्ट हाईवे प्लाजा के सामने, मंडी चौराहा, मथुरा।